नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 और मैं आपके साथ श्रद्धा जायसवाल। खबर है कवर्धा से। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नंदी विहार कॉलोनी पहुंचे, जहां रोग निवारण स्वास्थ्य शिविर के समापन अवसर में शामिल हुए। यह शिविर पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। योग पीठ के पदाधिकारियों ने पुष्पमाला एवं आरती लेकर उप मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया। उप मुख्यमंत्री आयोजन में हरिद्वार से आए स्वामी विप्रदेव, स्वामी नरेंद्र देव, स्वामी राहुल देव, आचार्य यशवंत एवं योग गुरुजनों का छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में स्वागत किया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में योग शिक्षा की शुरुआत हुई है। उन्होंने राज्य के नागरिकों को भी अपने जीवन एवं दिनचर्या में योग से जुड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने समिति की मांगों को सैद्धांतिक समिति देते हुए योग को और बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर संभव मदद करने का विश्वास दिलाया है। वहीं आपको बता दें कि इसके पश्चात धरसेना कलार समाज का जिला क्षत्रिय वार्षिक सम्मेलन सरदार पटेल मैदान में आयोजित किया गया था। वहां भी उन्होंने पहुंचकर धरसेना कलार समाज को अपनी सौगात दी, सामाजिक पुस्तिका का विमोचन किया। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए हर संभव प्रयास एवं सहयोग का विश्वास दिलाया है। मुख्य अतिथियों द्वारा समाज के आराध्य देव भगवान श्री सशस्त्र बहु अर्जुन की पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलित कर वार्षिक सम्मेलन का शुभारम्भ किया है। धरसेना कलार समाज की ओर से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का गजमाजा से सम्मान किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सम्मान से अभिभूत होकर अपने उद्बोधन में कहा कि मेहनत और ईमानदारी धरसेना कलार समाज की पहचान है, जिसके कारण समाज आज हर क्षेत्र में तरक्की के सोपान कर रहा है। यह विशेषता समाज में आगे भी बनी रहनी चाहिए। धरसेना कलार समाज के वार्षिक सम्मेलन में जिला के 116 गांवों की सामाजिक स्वजाति जन एवं आसपास के जिलों में हजारों की संख्या में स्वजाति एकत्रित हुए। बात बजाने वही कि रूपेंद्र नवा उम्र क्या है, फिर जवान सियान सब के अध्यक्ष बने हैं। अच्छे प्रतिभाशाली इधर फार्म तक गए हो, मैं वही पत्रकारिता कर रहे तबो संग में रहे तब फार्म तक गए हो। इधर यहाँ के सब उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, छत्तीसगढ़ भर में जाते और रायपुर बम्बई दिल्ली तक जाते भाई, अमेरिका अमेरिका तक जाए, जल्दी पटका में जाना है जावा देना खेत जाए तक जल्दी कहा। तो नौजवान साथी समाज के सब प्रेरणा ले अपन अध्यक्ष से के ऐसे मेहनत करके काम लागू बढ़ाए जाते। इकनौ लेकर जाता हूँ मैं, इसने पोखर में जमीन में नहीं है, रेगहा लेके आप में विश्वास नहीं हो है। एक साल ऐसे बेची तो एक करोड़ के टमाटर बेची। एक साल पहले हुई 1 करोड़ की बेची, इतने समय की बेचे नहीं। भवन वन की आप चिंता झन करो, रुपेंद्र पूरा करवा दे आप। आदरणीय संरक्षक समाज के डॉक्टर बी बी जायसवाल जी, आदरणीय प्रभु जायसवाल जी, आदरणीय गुलाबराम जायसवाल जी, आदरणीय रामकुमार सिन्हा जी, आदरणीय गजेंद्र जायसवाल जी, आदरणीय दिनेश जायसवाल जी, आदरणीय श्यामलाल जी, आदरणीय बद्री जायसवाल जी, आदरणीय भूपत जायसवाल जी, आदरणीय ब्रजनंदन जायसवाल जी, आदरणीय अशोक जायसवाल जी पर बिलासपुर से पधारे हैं, आदरणीय शरद जायसवाल जी बोटला वाले, और विशेष रूप से मंच में विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और पूर्व में कवर्धा के लाडला विधायक आदरणीय अशोक साहू जी, मंच में विराजमान आदरणीय राम कुमार भट्ट जी, मंच में विराजमान आदरणीय हमारे संसदीय सचिव पूर्व विधायक पंडरिया मोतीराम चंद्रवंशी जी, और सभी जन मंच में विराजे हैं। दीदी देव कुमारी जी भी विराजे हैं और वो कैलाशों विराजे हैं, वो खर जिला बदर करैया रही तो जनता हा कैलाश ल रोक ली और ओखरे जिला बदर कर दे। तो दूसरा बार गड्ढा खोदते तिन गड्ढा में खुद गिरते, ये बात ल समझिल पड़ी। तो हम समझ गए भैया, हम लोग ककरों पर गड्ढा नहीं खोदना है, अच्छा अच्छा काम करना है, इसीलिए मन में प्रण करके चले हैं। और आप सबने जन बहुत इसने बहुत प्रेम से मुझे बुलाया, और मैं निवेदन कर रहे हैं बद्री जायसवाल जी पूछ लेवा
कहते हैं भैया एक थमाला पहनावे और बाकी सब ताली बजा करके हो जाए इसी की किया तो नहीं माने मोर बात ला ठीक है मैं कहा कर सकता हूँ आप मन के दया मा आप मन के मया मा आप मन के आशीर्वाद मा आप मन कवर्धा से बहुत मुश्किल परिस्थिति मा बहुत परेशानी मा विधायक के नाते चुने हो अब आपके मन के आशीर्वाद है आपके मन के बीच की चर्चा है दिल्ली तक सुना गए बार अब एक स्थिति बड़े दायित्व ऐसे उप मुख्यमंत्री के और गृह विभाग के इसे बड़े बड़े दायित्व दे हैं मैं हजत का दे हैं वो सारा दायित्व के निर्वहन करे की कोशिश करूं परंतु अकेला नहीं कर सका हूं आप मन सहयोग करो आप मन रास्ता देखा हो कैसे करना है बात में होता हो समय के समय सलाह जरूर बताओ कि ऐसे कर भाई ऐसे कर इसी नीचे जरूर बताओ तभी बात बनी मैं देश परदेश देश में जाऊं तो बड़े ऐसे घूम ले नेता कर कवर्धन थोड़े नेता और दादा ने मैं कहा आओ कवर्धा के तुम्हारा बेटा आओ मैं तो भाई आओ मैं तो दोस्त आओ पूछते चे सब भाई अच्छा जन आई है तेरे मतलब कुछ जन मालूम होना आज मेरा बहुत दिन बाद देखे हमने एक एक अच्छा एक एक बेंच पर बैठन पड़ी तो पकड़े में ते कहा रे बाबू अधिक दिन अभी दिक्कत है जी वाह सब चले तो जिंदगी के बीच में चल बने बात है फिर मैं तो दिखा रही हूँ यार कैसे मैं है दिखा रही हूँ फिर विभाग की जिम्मेवारी मिले है हमारे पारा कोठी में देखा हूँ नान नान लड़का वो इंजेक्शन लगाते नशा करते चार दिन तीन दिन तक दिमाग घूमत रहे थे उनका 1000 रुपया 1200 रुपया इंजेक्शन आते ब्लैक में लेते थे ऐसे सब हो सके रही से परिस्थिति हम जाना सर समझो सर तभी आज सहस्त्र बाबू भगवान के दया से उन पर मंच से कहा था कि जैन करैया हो है तेन बंद कर दे लैकन के जिंदगी के बर्बादी एक क्षण नहीं सहे जा सके सख्त कार्यवाही हो ही मैं बता दूंगा कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में पहली बार खबर था आए और आए हैं तो बने सब पे जन के दर्शन पाए मैं यहाँ हार्दिक शुभकामना देते हुए और इस तरह समाज गंगा लहरावे भैया आगे बढ़े भैया अही प्रार्थना भगवान से करत हुए अगर अपन बात में समाप्त कर दे तो रुपये यही के बाकी बात तक कर दे डिलीवरी फास्ट होना चाहिए सरकार के काम कम याद रखे जाते हैं मुझे लगता है लेकिन प्रतिफल कैसा है डिलीवरी कैसी है ये महत्वपूर्ण है विषय बातें लटक जाती हैं बातें भटक जाती हैं विषय लंबित हो जाते हैं और जो डिलीवरी होना चाहिए वो हो नहीं पाता है मुझे ये लगता है कि वो जल्दी होना चाहिए भैया नशा को लेकर आपने मंच से बड़ी बात कही बहुत स्पष्ट है भैया 13-14 साल के लड़के को जब आप इंजेक्शन लगाते देखेंगे मैंने तो आपको दिखाया अभी था वीडियो अभी भी मेरे मोबाइल पर है वो सब मैंने देखा है तो अगर ईश्वर ने समय दिया है काम करने का उस पर नहीं करेंगे तो काम के साथ स्वयं की भावनाओं के साथ भी अन्याय होगा समाज के साथ इसलिए पूरी ताकत से सख्ती के साथ ऐसा करने वाला बख्शा नहीं जाएगा बहुत अच्छी बात यह है कि समाज ने आपस में कलेक्शन करके जमीन खरीदा है और जमीन खरीदने के बाद वो अपने समाज की उन्नति के लिए भवन आदि बनाना चाहते हैं उसमें मैंने भी कहा कि इस बहुत बड़े यज्ञ में एक छोटी सी आहुति मेरी भी होनी चाहिए ऐसा निवेदन किया मैंने कार्यक्रम की श्रृंखला में श्री विजय शर्मा नंदी विहार कॉलोनी में आयोजित भागवत कथा में भी शामिल हुए उप मुख्यमंत्री शर्मा ने क्षेत्र की जनता के साथ बैठकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रदेश तथा क्षेत्र की जनता के खुशहाली की कामना की आप तो अयोध्या जी से आए तो हम सबका संदेश हम सबका प्रार्थना वहां तक अयोध्या जी में ले जाकर के प्रभु रामचंद्र जी जिस भव्य मंदिर में आने वाले 22 जनवरी को
आसीन होने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं, वहां हमारी प्रार्थना अर्पित करिएगा महाराज जी। इतना आपसे निवेदन करने हम सब आए हैं। ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।